ईशा कल्याण के घर के बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी गायब है। सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर का भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी गायब है। वो कह रहा है की मरेगा तो सीनियर को कहा सर ये पूरा मर्डर है, ये मारा हुआ है तो इसका वीडियोग्राफी कर लो आप। उसने बोला तू इस पर ज्यादा लफड़े में पड़ रहा है। सुशांत केस में रूपमा शॉ जी का दिया हुआ स्टेटमेंट क्या सही साबित होने वाला है? क्या सुशांत के साथ गलत हुआ था और ये बात पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स जानते थे? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में एमएस धोनी जो 3 साल के बाद क्या सुशांत के लिए खड़े हो गए हैं, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म निकल के आई थी एमएस धोनी, उस फिल्म को हाल ही में 7 साल पूरे हो गए और उस फिल्म में सुशांत ने किरदार निभाया था एमएस धोनी का। और सुशांत के जाने के बाद एमएस धोनी की ओर से आरआईपी भी नहीं लिखा गया। कुछ लोग इसके बाद बहुत निराश हुए पर लोगों को लगा कि धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो एमएस धोनी भी सुशांत के लिए आवाज़ उठाएंगे, कुछ ना कुछ शब्द बोलेंगे। पर आज तक एमएस धोनी ने सुशांत के लिए कुछ नहीं बोला, जबकि एमएस धोनी भी अब फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस खुल चुके हैं, फिल्में बना रहे हैं और आने वाले वक्त में उनको भी आप एज अ एक्टर कई फिल्म में देख सकते हो। तो अब ये चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि एमएस धोनी अब क्रिकेटर नहीं है, वो क्रिकेटर थे पर अब वो एज अ एक्टर भी डेब्यू कर सकते हैं जल्दी। एज अ प्रोडक्शन हाउस तो वो अपना ओपन कर ही चुके हैं, कई सारे प्रोडक्शन हाउस के इंडस्ट्री में चलते हैं, पर सुशांत के लिए एक भी शब्द ना बोलने के कारण उनसे कई सारे सुशांत के फैंस आज भी निराश दिखते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रूप कुमार शॉ जी जो सुशांत केस होने के बाद करीब 1.5 से 2 साल के बाद निकल के आए थे और उनके निकल के आने के बाद कहा जा रहा है कि कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो गए इस पूरे मामले में। उन्होंने साफ साफ बोला था इस पूरे मामले को देखते हुए कि जब पीएम के लिए सुशांत आए तो वहां पर उन्होंने साफ उस शरीर को देखते बोल दिया कि गलत हुआ है इस शख्स के साथ, ये सिंपल केस नहीं है। उन्होंने डॉक्टर को जाके बोला, डॉक्टर ने बोला कि भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। जबकि कहा जा रहा है कि जब उन्होंने ये बड़े खुलासे करे इसके साथ चोटों के निशान से लेकर पैर की हड्डी टूटने से लेकर कई सारे दावे किए गए और उसी के साथ ये बोला जा रहा है कि अब जब इस पूरे मामले को दोबारा उठाया गया तब कहा जा रहा है कि एक बड़े एडवोकेट के द्वारा कुछ 15 पॉइंट्स लिखे गए हैं और ये 15 पॉइंट्स कहा जा रहा है कि एक PIL दाखिल की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहाँ पर पेश किए गए हैं जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है जो रूपमा शॉ जी का स्टेटमेंट था वो क्या था, सुन लीजिए जरा। ईशा कल्याण के घर के बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी गायब है। सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर का भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी गायब है। अब हालांकि CBI कह रही है कि उन्होंने रिकवर कर लिया, लेकिन ये गायब हुआ कैसे, किसने गायब किया, क्या इसके लिए कोई अरेस्ट हुआ, अभी तक गिरफ्तारी हुई, कौन लोग उसमें शामिल थे, जो कोई भी ड्यूटी पर था वो उसको बताएगा कि साहब हमने था, हमने किया या नहीं किया। क्योंकि अब ये CBI अगर कहती है हमने क्लाउड से पकड़ लिया है, अमेरिका से हम वापस लिया है, भाई क्लाउड तो हम बाद में जाएंगे, यहाँ पहले बताइए ना कि जिसने CCTV फुटेज को डिलीट किया उसको अरेस्ट किया या नहीं किया, उस दौरान जो जो लोग ड्यूटी पर थे उसको आपने अरेस्ट किया या नहीं किया, नहीं किया तो जिस कंपनी का CCTV लगा हुआ था उसको अगर किसी ने डिलीट करवाया तो कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के मालिक को अरेस्ट किया या नहीं किया, जो कोई भी उस CCTV के फुटेज को रेस्टोर रखने के लिए अपने स्टॉक में रखने के लिए जिम्मेदार था उसको आपने अरेस्ट किया या नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, पोस्टमार्टम की न तो फोटोग्राफी हुई ना ही वीडियोग्राफी हुई। भाई ये बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, इतना बड़ा स्टार का पोस्टमार्टम हो रहा था, किसी को ख्याल नहीं आया, सब संवेदनशील हो गए, सब रोने लगे, सबका दिल टूटने लगा, लाव भूल गए, सब विक्षिप्त हो गए, हाँ मेरा सुशांत चला गया, इसलिए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी लाव भूल गए, वहां देखने वाले बाकी जो अधिकारी थे वो लाव भूल गए, अच्छा सब लाव भूल गए, लेकिन सुपर हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय कह रहा है कि वो किसी भी सूरत में सुसाइड नहीं था, किसी भी सूरत में सुसाइड नहीं था। वो अटेंडेंट जो है ना उसका स्टेटमेंट अच्छे से सुनिए, वो कह रहा है कि मरे जाकर सीनियर को कहा सर ये पूरा मर्डर है, ये मारा हुआ है तो इसका वीडियोग्राफी कर लो आप। तो उसने बोला तू क्यों इस पर ज्यादा लफड़े में पड़ रहा है, तू चल तेरा काम कर निकल। मतलब ये जो है ना SLP वो आप अच्छे से सुनिए, जो अभी मैं कह रहा हूँ उसमें 2-4 बढ़ा के पीछे हो सकते, वो जो स्टेटमेंट है दैट इज मच इम्पोर्टेंट, वो ये साबित करता है कि किस लेवल पे वो मशीनेशन और प्लानिंग चल रहा था। तो आपने उस वो डॉक्टर को अरेस्ट किया क्या, इसी का तो और इनको भी सवाल है, मुंबई पुलिस को भी सवाल है। एक दूसरी बात कि जब वो आदमी ये कह रहा है कि तू लफड़े में क्यों पड़ने का, तू निकल ले, और ये बात ऐसा नहीं है कि दबी जुबान में कह रहा है, सभी राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर वो व्यक्ति आकर के पब्लिक डोमेन में कह रहा है, उसको अपने जान के खतरे का भी डर नहीं है,
उनको अपने जान का भी डर नहीं है, वो बेचारा निडर है, निर्भीक है और मजबूती से वो बयान दे रहा है। और वो कोई ऐरा गहरा राह चलता हुआ आदमी नहीं है, वो अस्पताल का कर्मचारी है जो अपने अधिकारी को कहता है कि साहब ये मर्डर है, इसकी वीडियोग्राफी कराइए। इतना ही काफी है अरेस्ट करने की? वो सारे डॉक्टर अरेस्ट हुए क्या अभी तक, जिसको किसको आपने कस्टडी में लिया? अच्छा, नंबर टू, नंबर थ्री, डायरेक्ट आईविटनेस। नंबर थ्री, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई था साहब। एक आदित्य ठाकरे का इसके पहले तक उस तरह से लोग नाम नहीं लेते थे। हमारे पत्रकार महोदय भी पेंगुइन 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 कह करके इशारों इशारों में बात करते थे। हम लोग पूरी मजबूती से डंके की चोट पे कह रहे हैं उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे ही इज ए क्रिमिनल विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम लोग ये बोल रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे का जो पेंगुइन बेटा है आदित्य ठाकरे, ये क्रिमिनल। सबसे इंपॉर्टेंट बात साहब ये है कि उस पार्टी में चाइल्ड अब्यूज जो हो रहा था, उसके साथ जो आपने जब साहब कहा, ये पूरा देश जानना चाहता है, ये दिशा सालियान सुशांत सिंह की हत्या के आगे सबसे जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। जस साहब, सबसे जघन्य अपराध, ये बॉलीवुड को पूरी तरह से नंगा कर रहा है। इस पर जरा हमारे दर्शकों को प्रकाश डालिए, ये बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। देखिए, एक आपको मोबाइल बता दें, हमको मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। पहले दिन से आपको सुशांत सिंह के प्रति बहुत लगाव है, आपने ही और प्रकाश जी ने बहुत, और बाद में अपने ऑफिस के जो एडवोकेट थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैटर को मतलब ऐसा दमने नहीं देना है, इसलिए मैं अपने कई प्रोफेशनल काम छोड़कर इसमें आया था। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, हमको ऐसा पेंगुइन वगैरह वर्ड कोई यूज करने की जरूरत नहीं। और हमारे को ना, देखो आज तक क्या होता है, मतलब आज तक सब जगह मीडिया में यह हुआ, कॉमन मैन की बेचारे की आशा क्या थी पता है क्या? उसको लगा कि ये पुलिस यहाँ पर मैनेज है, और दिख रहा था मुंबई पुलिस ने जिसमें आदित्य ठाकरे को बचाने का काम किया वो उसमें मैनेज है, ये कॉमन मैन को यही लग रहा था। तो कॉमन मैन की अपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर उठा के सीबीआई को दिया। सारे लोग एक दिल में ठंडक पहुंच गई, चलो एक स्टेप तो आगे बढ़ा। और सीबीआई जब शो में आई तो जैसा क्या है, एकदम हॉलीवुड की फिल्में स्टाइल में 15 अफसर दिल्ली से लैंड कर रहे मुंबई में, ये किधर जा रहा है, एक वहां जा रहा है, एक ऐसा उसका हाइट लगा के चेक कर रहा है, ऐसा लगा दे बस अभी 4 दिन में आरोपी अरेस्ट हो जाएगा। पूरा चला इधर देखो उधर देखो, अरे 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना, अरे भाई लोग बेचारे न्याय के लिए तड़पते रह गए। इन्होंने लोगों की भावनाओं का अनादर कर दिया, अपमान कर दिया इन्होंने, और उठा के मैटर को ऐसी स्लो डेथ दे दी। मतलब सुशांत सिंह जी पहली बार मरे और इन लोगों ने उनके डेथ को, वो हत्या के केस को भी डेथ दे दी इन्होंने, मतलब उसको एकदम स्लो वायदा दे दिया पूरे केस को ही। इस बात को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अब बड़े बड़े एडवोकेट हो या फिर बड़े बड़े जज हो, अब सब निकल के आ रहे हैं सामने, और उनके निकलने से ये मामला डेफिनेटली मजबूत हो सकता है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि बार एसोसिएशन के मेंबर बताए जाते हैं नीलेश ओझा जी, और एक बड़े एडवोकेट बताए जा रहे हैं, और इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले को एनालाइज किया है, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बातें की हैं, बातें बताई हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, सुशांत के फैंस की बातें सुनी हैं, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है जो बातें उन्होंने बोली। और कहीं ना कहीं उन्होंने सब चीज़ों को देखने के बाद ये दावा किया, जब इतने बड़े बड़े लोग नारायण राणे नीलेश राणे जी जैसे लोग इतने बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग नाम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास कई सारे सबूत होंगे, क्योंकि बिना सबूत के कोई नाम नहीं लेता है, और सबूत है तो नाम लिए जा रहे हैं। और उसी बातों को कहा जा रहा है कि उन्होंने पेश कर दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, जब पीएल दाखिल की है, और सबूत के तौर पर कई सारी बातें उन्होंने पेश करी है कोर्ट के अंदर। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार उनकी पेश की हुई बातों पर कोर्ट क्या फैसला लेगा, और क्या जो नेता की बात हो रही है, क्या वो नेता के ऊपर कोई कार्रवाई होगी जल्दी, या फिर वैसा ही ये मामला चलेगा जैसा 3 साल से चल रहा है, वैसा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्होंने साफ कहा कि सीबीआई की ऑफिसर्स के ऊपर भी जांच बैठ सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपने इस पूरे मामले की जो जांच की है उसमें क्या पाया अभी तक, और ये जांच कहां तक पहुंची है, क्यों इस पूरे मामले को इतना टाइम लग रहा है, कई सारे सवाल सीबीआई से भी पूछे जा सकते हैं, पर सीबीआई ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब साफ है कि सीबीआई पूरे मामले में क्या कुछ छुपा रही है, या फिर सही में इस पूरे मामले की अभी तक जांच चल रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में एक बात सुनी होगी आपने कि सीबीआई अभी वेट कर रही है अमेरिका का, कि अमेरिका कब सुशांत के डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करेगा, और रिट्रीव करने के बाद पेश करेगा। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि इन सारी बातों का महत्व
तब है जब आपके सामने जो सबूत दिख रहे हैं उसमें एक्शन लिया जाए। जब सामने पड़े हुए सबूतों पर कोई एक्शन नहीं होता और अमेरिका से जो मदद मांगी है उनके आने की रिपोर्ट का वेट किया जाता है, महीनों सालों बीत जाते हैं, तो अब देखने वाला विषय होगा कि इस मामले में जल्द क्या बड़ा फैसला कोई निकल के आने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। हम जाएंगे, अपनी राय कमेंट्स में रखिए क्योंकि आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में। और आपको क्या लगता है आप बताइए जरूर कमेंट्स में। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।